Now I'm a sweet beats a sky feature loaded in pizza like. Hi friends, आज हम बात करने वाले हैं मतलब अनबॉक्सिंग करने वाले हैं Xiaomi Redmi 4A की। जी हाँ, Xiaomi Redmi 4A की अनबॉक्सिंग कर रहे हैं क्योंकि मुझे नहीं मिला Redmi 5A। तो ये देखिए मेड इन इंडिया वाला वेरिएंट है ये और Xiaomi का फ़ोन है। और क्या 5A नहीं मिला, बहुत उसके लिए मैं सैड हूँ। काफ़ी लेट अनबॉक्सिंग हुई वैसे इसकी कहा जाए, क्योंकि मुझे फिर उस प्राइस में 4A ही मिला, क्योंकि सबसे बड़ा सरप्राइज़ है, क्योंकि आपको ये फ़ोन करना था गिव अवे। जी हाँ, आपको ये फ़ोन देने वाला हूँ, आप में से किसी एक व्यूअर को। पूरी प्रोसेस क्या है लास्ट में बता दूंगा। तो देख लीजिए, 13 मेगापिक्सल का कैमरा, 3000 mAh की बैटरी अप्रोक्स आपको मिल जाती है, 5 इंच की स्क्रीन, 12.7 सेंटीमीटर और MIUI 8 का वर्जन, डार्क ग्रे कलर में फ़ोन है, 3GB RAM, 32GB ROM वाला वेरिएंट है। 7999 रुपये इसकी MRP है, लेकिन मैंने शॉप से बाय किया तो उन्होंने मुझे 8000 में दिया। चले कोई नहीं, और मैंने आपके लिए कंप्लीट फ़ोन करवा लिया है, टोटली कंप्लीट एकदम। यहाँ पर लिखा हुआ है साइड में Redmi 4A और दूसरी तरफ भी Redmi 4A ही लिखा हुआ है। बस यहाँ पर मैंने सील तोड़ दी थी, मैंने नहीं, शॉपकीपर ने तोड़ी, क्योंकि मैं चाहता था कि आपको दूँ कंप्लीट फ़ोन बैक कवर और स्क्रीन गार्ड के साथ। तो मैंने बैक कवर और स्क्रीन गार्ड लगा लिया, तो सील तो टूटनी थी, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वैसे। तो ये है फ़ोन का पूरा बॉक्स ऊपर से नीचे तक। तो आइए देख लेते हैं हम कि फ़ोन कैसा दिखता है। वैसे फ़ोन काफ़ी अच्छा लगा मुझे, डार्क ग्रे कलर में लिया मैंने वैसे इस फ़ोन को। और भी दो कलर ऑप्शन है, रोज़ गोल्ड और गोल्ड के, तो आप उन दोनों में बाय कर सकते हैं। तो फ़ोन को हम रख लेते हैं साइड में। यहाँ पर आपको मिल जाती हैं कुछ गाइड्स, यहाँ इन्हें पढ़ता तो कोई है नहीं, वैसे कुछ लोग पढ़ते भी हैं तो देख लीजिए। तो गाइड्स हैं ये सब, पढ़ना हो तो पढ़ लीजिए आप। यहाँ पर आपको मिल जाता है चार्जर केबल। जी हाँ, चार्जर को पहले निकाल लेते हैं, चार्जर को हम देख लेते हैं। यहाँ पर आपको मिल जाता है चार्जर, ये चार्जर है आपको मिलेगा, ये 2 एम्पेयर का चार्जर है। 2 एम्पेयर का मतलब आप इसमें फास्ट बैटरी चार्जिंग का तो उतना का सपोर्ट आपको मिलेगा नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत मिल जाएगा। यहाँ पर आपको मिल जाता है केबल, जी हाँ, आप इसे फाइल भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं और ये काम करेगा USB केबल के जैसे, और आपको फ़ोन चार्ज तो कराएगा ही। और यहाँ पर मिल जाता है सिम रिजेक्टर। सिम रिजेक्टर तो आजकल सभी फ़ोन में अवेलेबल होता है, क्योंकि आजकल सभी फ़ोन नॉन रिमूवेबल बैटरी वाले ही आते हैं, तो फ़ोन कहीं से खुलता नहीं है। बॉडी काफ़ी अच्छी है फ़ोन की, तो ऑन कर लेते हैं इस फ़ोन को। तो ऑन होने में थोड़ा सा लेगा टाइम, तो वीडियो क्लोज कर दिया मैंने और साफ़ सफाई भी कर दी थोड़ी। तो देख लीजिए ये फ़ोन होगा ऑन कुछ इस तरह से, मतलब ऑन करके पूरा प्रोसेस दिखाया नहीं, लेकिन ये ऑन और ये है इसका इंटरफेस। वैसे मैंने कुछ ऐप इंस्टॉल कर लिए रहे, आदत ख़राब यार, कोई भी नया फ़ोन आता है तो मैं सोच ही लेता हूँ थोड़ा सा चला लूँ। तो ये है ऐप्स और हॉटस्टार और बाकी वगैरह, कुछ ऐप मैंने भी इंस्टॉल कर लिए थे जो कि सब अनइंस्टॉल कर दूंगा मैं, टेंशन मत लीजिए। आज ही फ़ोन को फॉर्मेट मार दूंगा सब कॉपी करके, वीडियो थोड़ी जल्दी देनी थी इसलिए मैंने पहले नहीं मारा फॉर्मेट, क्योंकि कॉपी नहीं हुआ था। तो यहाँ पर आप फ़ोन अबाउट में देख सकते हैं, 3GB RAM मिल जाता है आपको, और आपको वर्जन भी मिल जाता है एंड्रॉयड 6.0 का मार्शमेलो, जो कि एंड्रॉयड का काफ़ी पुराना वर्जन, क्योंकि अभी तो नौगट आ गया, ओरियो भी आ गया है, और बाकी सभी चीज़ें मिल जाती हैं। CPU आपको मिल जाता है क्वाड कोर 1.4 GHz का, और फ़ोन काफ़ी अच्छा है Redmi 4A। वैसे आपको पर्सनली बताऊं तो मैंने यूज़ किया इसे तो थोड़ा सा हैंग कर रहा था, तो आइए हम इसका कैमरा भी देख लेते हैं, पैटर्न लगा के रखा है मैंने, उसके लिए भी माफ़ी चाहता हूँ। तो ये है कैमरा, कैमरा क्वालिटी वैसे काफ़ी अच्छी है फ़ोन की, जैसे कि रेडमी के हर फ़ोन में कैमरा क्वालिटी तो अच्छी रहती है। 13 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है आपको चेक क्वालिटी के साथ। तो यही है कंप्लीट फ़ोन, और मतलब आपको मिलता प्रोसेसर अच्छा ही है स्नैपड्रैगन का, लेकिन फिर भी थोड़ा सा फ़ोन हैंग हो रहा था, क्योंकि मैंने ऐप कुछ ज़्यादा इंस्टॉल कर दी, लेकिन फॉर्मेट कर दूंगा फ़ोन को तो फ़ोन अब सही से काम करने लगेगा। यहाँ पर आपको चार्जर कनेक्ट करने के लिए HDMI का पोर्ट मिल जाता है, और यहाँ पर आपको मिल जाता है माइक भी एक, जैसे कि आप देख सकते हैं फोकस नहीं हो रहा है, अब सही फोकस हुआ है तो आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आपको मिल जाता है कि अनलॉक का की और साउंड कंट्रोल करने वाली की, ईयर ब्लास्टर मिल जाता है आपको यहाँ पर, 3.5 mm का जैक भी मिल जाता है। तो यही सब चीज़ें हैं, डार्क ग्रे कलर में काफ़ी अच्छा लग रहा है, वैसे ब्लैक कलर में नहीं आया। और यहाँ पर आप सिम लगा सकते हैं,
और सिम रिजेक्टर का एमआई का लोगो मिल जाता है यहाँ पर आपको। तो बस फ़ोन काफ़ी अच्छा लग रहा है और टेम्पर्ड ग्लास आप देख सकते हैं मैंने लगा दिया है, मतलब लिखवा दिया है इसमें। और ये इस फ़ोन का कवर जो मैंने आपके लिए बाय किया है, क्योंकि कम हम करने वाले हैं फ़ोन को गिव अवे। तो गिव अवे करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं, अभी हमारे चैनल पे 141 सब्सक्राइबर हैं तो उसे आप पूरा करवाएं 150 तक, 150 सब्सक्राइबर और 25 लाइक। तो यहाँ पर इस वीडियो में आ जानी चाहिए 25 लाइक, तब हो जाएगा कॉन्टेस्ट स्टार्ट, माफ़ कीजिएगा। और कवर काफ़ी अच्छा वह किया है मैंने आपके लिए, उसकी आप टेंशन ना लें, देख लीजिए मोड़ के दिखा दे रहा हूँ आपको, काफ़ी अच्छे कवर है। तो बस 150 सब्सक्राइबर, 25 लाइक। और आपको क्यों चाहिए ये फ़ोन, या फिर किसी भी चीज़ के लिए आपके दिल में क्या आ रहा है, जो भी बात हो कमेंट करते हैं। और जो ये हमारा टारगेट है, ये अगर पूरा होता है, अगर हम इसको अचीव करते हैं, तो मैं आपको क्या बोलते हैं गिव अवे करूँगा ये फ़ोन, और एक रैंडम कमेंट ही उठाऊँगा और उस व्यूवर को मिल जाएगा ये फ़ोन। जी हाँ, बस तो यही है प्रोसेस। और ये थी इस कवर की फ़ोटो और अनबॉक्सिंग की वीडियो थी जो मैंने आपको दी। तो बस यही था, ये फ़ोन कवर वैसे काफ़ी अच्छा है और टेम्पर्ड ग्लास भी काफ़ी अच्छा है, तो टेंशन ना लें। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें। अगर आपका कोई भी सवाल होता है इस वीडियो को लेकर तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप हमारे चैनल की वीडियोस देखना पसंद करते हैं और आने वाली वीडियोस मिस नहीं करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। और सब्सक्राइब करने के बाद लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलें। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।